ये कहानी है टीना की, जो अपने आप को बहुत अनलक्की मानती थी। आज मेरा डांस कंपटीशन है, बस वो अच्छा चला जाए, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। मैं तो यही प्रे कर रही हूँ भगवान से, और मैं जीत भी जाऊँ आज की इस कंपटीशन में। हे भगवान जी, प्लीज़ मैं जीत जाऊँ। चलो कपड़े चेक करते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। माय गॉड, मेरे पैर में चोट लग गई। शिट, और मैं हुई अनलकी। ओहो, अब ये बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई। कहीं मैं भीग ना जाऊँ, जल्दी जाती हूँ। अरे रुको रुको रुको, बस। शिट, बस भी चली गई, अब मैं क्या करूँ। मैं तो हुई अनलकी। चलो कोई बात नहीं, चाहे मुझे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊँगी। हाय श्वेता, बुक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। मैं टाइम से पहले आ गई, कैसे ने कैसे करके। वैसे मेरी रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, पर मैं आ ही गई। अरे तुम अब आई हो। कंपटीशन तो क्या, कंपटीशन कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है कि कंपटीशन की डेट आगे बढ़ गई है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो फिर जजेस नहीं आ पाएंगे। बहुत सारा सेटअप बाहर गार्डन में था कंपटीशन, पर अब तो 3 दिन बाद होगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या हो गया, तुम ऐसे ही रहती हो हमेशा, क्या बात है? अब मैं क्या बताऊँ, मैं बचपन से ही अनलकी हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है हर चीज़ के लिए। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, मैं फिसल गई, गिर गई, मेरे कपड़े गंदे हो गए, फिर बारिश हो गई, फिर मेरी बस छूट गई। रास्ते में मैं बहुत तकलीफ झेल के आई हूँ। जब भी कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा ही हो जाता है। अच्छा तो ये बात है, पता है मुझे ना एक माता जी पता है, वो तुम्हें एक कुछ पता नहीं क्या करेंगी, पर वो तुम्हें ठीक कर देंगी, मतलब तुम्हारे अनलकीनेस को दूर भगा देंगी। अच्छा तो कहाँ है वो, मुझे भी ले चलो उनके पास। हाँ ठीक है, तुम कल को चलना मेरे साथ, ठीक है? यार जल्दी चलना, कहाँ है उनका घर? हाँ हाँ चल तो रही हूँ, चल मेरे पीछे पीछे आ। ओ रुक 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 रुक, आ रही हूँ आ रही हूँ, आ गया, चलो। माता जी यही है वो, इसको बताइए अनलकीनेस को दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, है ना? तुम्हारे अनलकीनेस को दूर भगाने के लिए मैं तुम्हें एक ब्रेसलेट दे रही हूँ। तुम उस ब्रेसलेट को पहन कर रखो और फिर देखना तुम कैसे हर चीज़ में सफल होती हो, ठीक है? ठीक है, ब्रेसलेट कहाँ है दीजिए। ठीक है माता जी, हम चलते हैं। हे ब्रेसलेट, रक्षा करना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, आई होप। अगर नहीं हुआ तो फिर पता नहीं मैं क्या करूँगी। आई होप सब अच्छा ही होगा इस ब्रेसलेट से। ठीक है चलो जाती हूँ। I could be your love baby, let me see your heart. You could be my love baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love baby, let me see your heart. You could be my. Here, this is our winner. हाय टीना, कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ। ये ब्रेसलेट तो कमाल का है, इससे मैं कंपटीशन भी जीत गई, और देखो ना बारिश भी अभी आई थी ना, कितनी अच्छी बारिश थी। और अच्छा हुआ बस चली गई, क्योंकि उसमें बहुत भीड़ थी, अगर रुकी भी रहती ना तो फिर मैं तो उसमें बैठ ही नहीं पाती।
अच्छा तो आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है। और तुम बताओ? हाँ, मेरा भी अच्छा ही जाता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं डांस कंपटीशन जीत गई। वो तो होना ही था क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही इतनी की थी। क्या कह रही हो, प्रैक्टिस? वो तो कुछ भी नहीं था, सारा कमाल तो ब्रेसलेट का है। अच्छा, वैसे तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? हाँ, मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है और शायद मैंने आज पहना नहीं। पर तुमने तो कहा तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ, अरे मेरा आज का दिन अच्छा था, वो भी बिना ब्रेसलेट के। हाँ, तुम्हारा दिन हर दिन तुम्हारा अच्छा ही होता है, पर तुम देखती हो उस नज़र से हो कि तुम्हें सब चीज़ बुरी ही लगती है। अगर तुम्हारा पॉजिटिव माइंड रहे जैसे आज है, वैसे ही तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगेगी। वो जो दादी का ब्रेसलेट था वो नकली था, और जो माता जी थी वो मेरी फ्रेंड थी, मैंने ही ये सब करवाने को बोला था। ओह माय गॉड, क्या कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रही। अब देखना, तुम्हारे हर दिन ऐसे ही पॉजिटिविटी से रहेंगे और तुम्हें हर दिन अच्छा लगेगा। ओह थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्त नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि हमारी इस स्टोरी का मोरल क्या है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपना पॉजिटिव माइंड रखोगे तो हर चीज़ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी और सब कुछ अच्छा भी रहेगा। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।